सरकारी खोलती है तो बढ़िया तैयार किसानों और लिए फायदा रोजीना हो रहा है किसानों ने। कांग्रेस सरकार ने लास्ट ईयर घोषणा की थी अभी तक मंडी नहीं खुली, इसको लेकर आपको क्या कहें? जालौर जिले के सायला क्षेत्र का जीवाणा अनार का हब बनता जा रहा है, यहाँ के धोरों में सिंदूरी सोना निकल रहा है। आपको बता दें कि जीवाणा क्षेत्र में अनार की अच्छी पैदावार हो रही है, जिससे किसान मालामाल हो रहे हैं। किसानों की ड्रिप सिस्टम के द्वारा मेहनत करके अनार की बगीचों को तैयार किया जा रहा है, वह अभी अनार अच्छी पैदावार दे रही है। ऐसे में यहाँ के अनार की विदेशों में भी मांग बढ़ी है, जिसको लेकर बाहर के व्यापारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं जीवाणा क्षेत्र में काफी मंडियाँ स्थापित की हैं। इसी सिलसिले में कुल जीवाणा क्षेत्र में प्राइवेट 5 मंडियाँ स्थापित हो चुकी हैं। वहीं सरकार ने भी घोषणा की है, मगर अभी तक मंडी शुरू नहीं की है। ऐसे में हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ का सिस्टम वगैरह कैसा लगा, आपको कैसे दाम मिले उसके बारे में बताएं। सिस्टम अच्छा है, जैसा माल है वैसा पैसे मिल गए। आपका अनार क्या भाव बिका? हमारा अनार 68 रुपये बिका है और सर्किट माल है 50 ग्राम से, और छंटनी करने के बाद अंदर से निकला नहीं, एक तो ये फटा निकला है। वो क्या भाव बिका? फटे वाला 35 रुपये। आप बताएं आपको सिस्टम कैसा लगा इस मंडी का? सिस्टम सब बढ़िया से, मेरा माल है 90 रुपये मकड़ो 91 रुपये जाऊँ सब बढ़िया से। किस कैटेगरी में बेचा आपने? किस कैटेगरी में? सर्किट में बेचा या 100 ग्राम से? सर्किट में। बाकी वाला माल? बाकी वाला 30 रुपये फटम। और भाई का माल बिका है 68 में। आपको कैसा लगा सिस्टम मंडी का? बढ़िया, कोई कमी नहीं है सिस्टम में, 78 में पैसा बढ़िया है, थोड़ी रेट जैसा माल है जैसा पैसा किसान ने लिए बल फायदो है। आपका माल क्या भाव बिका? 90 रुपया सरकट में। बाकी वाला माल? बाकी वाला ले रहा है 15-20 रुपया निकल पर जाइए, अभी बेचा नहीं, बेचना वो बेचना अभी, बढ़िया कोई कमी पेशी नहीं है, जैसा माल है जैसा पैसा। पैसों का क्या सिस्टम है, रोकड़ है या खाते में? ऐसा तीसरे दिन खाता में आवे, आप दूसरे तीसरे दिन आवे रखा। लगा सिस्टम मंडी का तो बढ़िया लगता है। आपका माल बेचा आज आपने? कितना माल बेचा आपने? आज बेचा 1 टन माल। क्या भाभी का? 61 रुपये सर्किट में। बाकी बेचा खराब माल है, बाकी फटा टूटा है, ये बढ़िया नहीं है, कोई बेचना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सिस्टम लगा आपको। कितना माल बेचा आपने? 4 क्विंटल। इन मंडियों से आपको क्या फायदा है? भाव मिलते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से तो क्या, छोटे में 4 क्विंटल कहाँ ले जाना, इतना तो मैं आता नहीं किसान है। नहीं, आप क्या ले जाना? सरकारी मंडी की वगैरह मांग वगैरह करते हैं कि नहीं करते? सरकारी मंडी हाँ काम नहीं करते अभी, नहीं है यहाँ, अभी नहीं है, खुलवाना चाहते नहीं चाहते आप? आपके साथ सरकारी मंडी खुलनी चाहिए? सरकारी खुलती है तो बढ़िया तैयार किसानों और लिए फायदा रोजीना हो रहा है किसानों ने। कांग्रेस सरकार ने लास्ट ईयर घोषणा की थी अभी तक मंडी नहीं खुली, इसको लेकर आपको क्या कहेंगे? नहीं खुली वो तो गलती से, खुलती है तो बढ़िया किसानों और हमारे तो लिए। तो आप क्या बताएंगे मंडी को लेकर? मंडी का यहाँ सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट की हो तो और भी अच्छा है। नियमित तो उसमें रहेंगे 12 महीने वो चालू रहेगी, ये मतलब ये 17 तारीख से हुआ है, दिसंबर 17 से। तो पहले जो फट रही थी तो कुछ किसान परेशान तो थे ही, उनको सस्ते में बेचना पड़ा। और 12 महीने जो चालू रहती है ना उसमें लगातार रहता है, गवर्नमेंट मंडी हमेशा चालू रहती है, ये अपने व्यवस्था के अनुसार सुविधा के अनुसार आती है। बाकी गत साल से इस साल ये 15 महीना जल्दी आए, ये डिमांड थी किसानों, इसलिए ये जल्दी आ गए, अच्छा किया इन्होंने। किसानों ने बताया कि यहाँ पर मंडियाँ स्थापित होने से किसानों को फायदा हुआ है और हमारा माल अच्छे दामों में बिक रहा है, जबकि सरकारी मंडी की बात आती है, सरकार ने पिछले साल अनार की मंडी की सहला सत्र में घोषणा की थी, मगर वो मंडी अभी तक शुरू नहीं हुई है, कागजों में अटकी पड़ी है। ऐसे में अगर सरकारी मंडी खुलती है तो किसानों को और फायदा होगा। कैमरामैन जे आर परियार के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला, जालौर।